अरुणिता कांचुयाल के फैंस बहुत निराश हैं, उदास भी हैं, क्योंकि काफी वक्त से अरुणिता के जिस शो का इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार ही रह गया। इंतजार था कि अरुणिता कोलकाता आएंगी और अपने ढेर सारे फैंस से मिलेंगी, और फिर कोलकाता तो अरुणिता का घर है और यहाँ तो ढेर सारी जनता अरुणिता को अपना हीरा मानती है और उन्हें अपना आदर्श मानती है। और अरुणिता कोलकाता के लिए क्या है वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अरुणिता के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने फैंस से मिल नहीं पाई, फैंस उन्हें देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए, तो इसलिए फैंस भी नाराज हैं। लोगों ने अरुणिता से मिलने की तैयारियां भी कर ली थी और अरुणिता का पोस्टर देखने के बाद लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अचानक से इन सब उम्मीदों पर पानी फिर गया। अरुणिता आई तो, लेकिन वो कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। अरुणिता ने एक वीडियो में अपडेट दी थी कि 17 दिसंबर को दुर्गा पूजा में उनका शो है और ये पब्लिक शो होगा, लेकिन ये शो प्राइवेट शो निकला। पोस्टर में जो था वो अरुणिता ने बोला ही नहीं। अरुणिता का ये शो प्राइवेट शो होने की वजह से फैंस निराश हो गए, क्योंकि कई सारे फैंस अरुणिता से मिल नहीं पाए, उनकी आवाज को सुन नहीं पाए। बहुत सारी उम्मीदें लेकर फैंस शो के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन सब पर पानी फिर गया। अरुणिता के फैंस ने विनती की है कि प्लीज प्राइवेट शो ना करके पब्लिक शो रखे जाए, जिससे सारे लोग अरुणिता की आवाज को सुन सके, उनसे मिलने का मौका मिल सके। अरुणिता इस शो में आई और कब चली गई लोगों को पता ही नहीं चला। ऐसे में फैंस का निराश होना भी लाजमी है। वहीं आपको बता दें, उड़ीसा बालासर से अरुणिता के कुछ बेहतरीन पिक्चर्स सामने आ चुके हैं, जिसमें अरुणिता कई सारे बच्चों के साथ घिरी दिखाई दी। उनके आसपास बच्चे खड़े हैं और अरुणिता लाइट्स के बीच मुस्कुरा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पवनदीप को देखकर स्माइल कर रही हैं। आप अरुणिता की इस प्यारी सी मुस्कान के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अरुणिता कांचुलाल अपने शहर कोलकाता पहुंच चुकी हैं और वहां से कुछ दिलचस्प फोटो भी सामने आ चुके हैं। वायरल फोटो में अरुणिता तो दिख ही रही हैं, लेकिन पवन नहीं दिख रहे हैं। क्या पवनदीप अरुणिता के संग नहीं है, और अगर हैं तो वो दिखे क्यों नहीं, जबकि एक फोटो में अरुणिता की नन ज्योति दीप और दृष्टि भी दिखाई दी। ये तीनों ऑटो में बैठ कर शायद किसी जगह पर घूमने जा रहे हैं या फिर शो वाली जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि अब ज्योति दीप भी पवनदीप के संग शो करने लगी हैं, लेकिन पवनदीप नहीं दिखे। अरुणिता सुबह सुबह कोलकाता पहुंची तो उनकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि रात भर वो जगी हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हुई है। साथ ही ज्योति दीप ने भी रात भर अपनी भाभी से खूब बातें की हैं। अरुणिता अपने घर अपने संग ज्योति दीप को भी लेकर जाएंगी। ज्योति दीप अब अपने भाई से ज्यादा अपनी भाभी के संग रहती हैं और उनसे बहुत कुछ सीख रही हैं। भाई भाभी की तरह ज्योति दीप भी एक न एक दिन बहुत आगे तक जाएंगी। वहीं इस प्रोग्राम के बाद अरुणिता अपने घर भी जाएंगी और वहां पवनदीप ज्योति दीप भी जा सकते हैं। ससुराल में पवनदीप का खास स्वागत भी होने वाला है। वहीं फैंस ये भी पूछ रहे हैं कि क्या पवनदीप काम में बिजी हैं जो अरुणिता के संग कोलकाता नहीं पहुंचे, या अचानक पहुंचकर अरुणिता को सरप्राइज देने वाले हैं। वैसे अब तक तो आपने भी पवनदीप अरुणिता का तेरे नैना का टीजर देख लिया होगा और अंदाजा भी लगा लिया होगा कि इस गाने में कितने रोमांटिक किस्से होने वाले हैं, क्या कुछ नया होने वाला है। पवन अरुणिता के इस गाने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इंतजार में बैठे। तो अगर आप भी पवन अरुणिता के तेरे नैना गाने के लिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लगातार पवन अरुणिता के कोई ना कोई फोटोज और वीडियोस सामने आ ही रहे हैं, जिसपे पवन अरुणिता अपने लेटेस्ट शो को खूब एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। अपने फैंस को शो से जुड़ी अपडेट भी दे रहे हैं। इस वक्त पवन अरुणिता जोधपुर में हैं और जोधपुर वाला शो सुपर हिट साबित हुआ। इस शो में जो कुछ देखने को मिला वो आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। दरअसल पवन अरुणिता का जो वीडियो सामने आया है, उसमें पवन अरुणिता को जिस नाम से बुलाया जा रहा है वो सुनकर शायद आपके कानों को अच्छा लगे, लेकिन पवन अरुणिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि पवन अरुणिता को नहीं पसंद कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे पर्सनल लाइफ को मिक्स किया जाए, जिससे उनके काम में डिस्टर्बेंस आती है और परिवार वालों को भी ऐतराज होता है, और एक बार फिर उनके परिवार वालों को लोगों के गलत शब्दों को फेस करना पड़ा। तो हुआ ये कि पवन अरुणिता मंच पर परफॉर्मेंस के लिए खड़े थे, भीड़ इतनी थी कि पवन अरुणिता को मंच पर सेट होने में काफी टाइम लग गया, और तब तक नीचे खड़े लोग पवन अरुणिता का नाम चिल्लाने लगे, और सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि पवन अरुणिता के नाम के आगे कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए कि सुनकर आपको खुशी तो होगी लेकिन दुख भी होगा। जी हाँ, पवन को पवन जीजा और अरुणिता दीदी कहकर लोग बुला रहे थे। एक बार नहीं बल्कि कई बार पवन अरुणिता को इन नामों से बुलाया गया और पवन अरुणिता इनकी आवाज को इग्नोर करते रहे, क्योंकि इन्हें ये शब्द सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर लोग तरह तरह के कॉमेंट भी कर रहे हैं। पवन अरुणिता को भले ये शब्द नहीं अच्छे लगे, लेकिन फैंस इन शब्दों को सुनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक ना एक दिन तो पवनदीप अरुणिता एक होने ही है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
नए साल के स्पेशल स्वागत में पवन अरुणिता बहुत बिजी हैं। लगातार इन्हें किसी न किसी इवेंट के लिए बुलाया जा रहा है और न्यू ईयर का वो कहां सेलिब्रेशन करने वाले इस बारे में भी फैंस काफी ज्यादा जानने के लिए एक्साइटेड हैं। इस बारे में अभी तक कोई अपडेट तो सामने नहीं आई, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस बार पवन अरुणिता को मुंबई या गोवा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा और हो सकता है कि बाकी शहरों में से किसी शहर में न्यू ईयर पार्टी करें। असम, उड़ीसा या फिर जयपुर में भी पवन अरुणिता न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इन शहरों में इनके इवेंट होने की संभावना भी बताई जा रही है। फिलहाल जैसे ही पवन अरुणिता के न्यू ईयर सेलिब्रेशन की खबर सामने आएगी, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, क्योंकि इनके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए इनके फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और फैंस के साथ ये जरूर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। आप देखना होगा कहां की जनता के साथ ये अपना न्यू ईयर मनाएंगे। तो आप भी इनके न्यू ईयर के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए तो पवन अरुणिता कुछ ही देर में जोधपुर के लिए निकलने वाले हैं। जी हाँ, पवन अरुणिता को जोधपुर इवेंट के लिए बुलाया गया। ये एक प्राइवेट इवेंट है, हो सकता है कि किसी कपल की एंगेजमेंट सेरेमनी हो या फिर शादी का फंक्शन हो, जहाँ ये न्यू वेडिंग कपल के लिए परफॉर्म करेंगे, लोगों का खूब एंटरटेनमेंट करेंगे और लोगों से मिलेंगे भी। जब पवन अरुणिता प्राइवेट फंक्शन में लोगों से मिलते हैं तो वहाँ के लोग इन्हें शादी करने की सलाह देते हैं और अपने घर बुलाने की भी चाह रखते हैं। जब इन्हें ढेर सारा प्यार मिलता है तो कहीं ना कहीं ये भी अपनी शादी का विचार सोचते ही होंगे। जी हाँ, फंक्शन में लोग अक्सर इनसे पूछते हैं कि आप कब शादी करेंगे, तो पवन अरुणिता हंसकर मुस्कुराकर वहां से हट जाते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। वैसे तो पवन अरुणिता का कहना है कि पहले ये अपने करियर पर ध्यान देंगे, शादी तो बाद का फैसला है। तो आप इस जोड़ी के लिए क्या कहेंगे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरुणिता इस पूरे महीने बहुत बिजी रहने वाले हैं। इसका एक कारण ये है कि साल 2022 के खत्म होने में 15 दिन बाकी है और नया साल 2023 की ग्रैंड तैयारियों के लिए पवन अरुणिता बिजी रहने लगे हैं। देखना होगा नया साल पवन अरुणिता कहाँ मनाते हैं, कहाँ ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं और बहुत कुछ इन्होंने नए साल की तैयारियां कर रखी हैं जो जल्द ही हम आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पवन अरुणिता बड़े बड़े सिंगर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, ऐसे में लोग उन्हें बुलाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और इस न्यू ईयर उनके कई जगह प्रोग्राम है। लगातार पवन अरुणिता इधर से उधर प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कभी देश में तो कभी विदेश में इनके धमाकेदार शो हो रहे हैं और जनता भी खूब आनंद ले रही है। पवन अरुणिता इतने बिजी हो गए हैं कि अपने कॉस्ट्यूम तक को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जो इनकी मैनेजर इनके कॉस्ट्यूम डिसाइड करती हैं वो ये पहन लेते हैं। हाल ही में अरुणिता असम के प्रोग्राम में साड़ी पहनकर पहुंची थी और वहां तबीयत खराब होने की वजह से अरुणिता अपनी साड़ी को संभाल भी नहीं पा रही थी। ठंड की वजह से अरुणिता को कोल्ड कफ हो गया और वो परफॉर्मेंस देते वक्त बहुत परेशान दिखी। कोल्ड कफ की वजह से उनकी आवाज में बहुत फर्क दिखाई दिया, वो गाना भी नहीं ठीक से गा पा रही थी, लेकिन फिर भी अरुणिता ने नहीं मानी और बेस्ट परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। अपनी हेल्थ की चिंता न करते हुए अरुणिता इतनी दूर गई और उन्होंने लोगों का खूब एंटरटेनमेंट किया। लोग अरुणिता से खुश दिखे और उनकी तारीफ भी करते दिखाई दिए। अरुणिता को लोग सलाह भी दे रहे हैं कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, वरना ज्यादा बीमार भी पड़ सकती है। वहीं आपको बता दें पवनदीप उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं। पवनदीप अरुणिता को मेडिसिन के साथ साथ उनके खाने पीने का भी ख्याल रख रहे हैं। अब देखना होगा नेक्स्ट शो के लिए पवन अरुणिता कहां जाने वाले हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पवन अरुणिता एक साथ मनाएंगे या फिर अलग अलग मनाएंगे, इस पर फैंस की नजरें टिकी हुई हैं।